जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फेरस एस्कॉर्बेट। फेरस एस्कॉर्बेट जो एक आयरन पूरक है। क्या है? आयरन पूरक, आयरन की कमी को पूरा करने वाला ये ऐसा मेडिसिन होता है फेरस एस्कॉर्बेट। फेरस एस्कॉर्बेट इज ए आयरन सप्लीमेंट विच इज ए यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो आयरन लेवल इन द ब्लड। यानी फेरस एस्कॉर्बिक क्या है? इज ए आयरन सप्लीमेंट, या आयरन सप्लीमेंट आयरन का पूरक है। विच यूज द ट्रीटमेंट, और इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है किसमें? लो आयरन लेवल इन द ब्लड। ब्लड की आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसमें लो आयरन लेवल इन द ब्लड, हमारे शरीर में जब लो लेवल हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है, तब हमें फेरस एस्कॉर्बेट दिया जाता है। उस लेवल को मेंटेन करने के लिए एस्कॉर्बेट एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टोमच। एस्कॉर्बिक एसिड वर्क कैसे करता है? एब्जॉर्प्शन करता है, सोखता है आयरन फ्रॉम द स्टोमच। हमारे पेट में जब हम कुछ खाते पीते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। हमारे पोषण तत्वों में जो हम खाते पीते हैं, फ्रूट है, भोजन जो भी हम करते हैं, उसमें से एब्जॉर्प्शन की क्षमता को भी बढ़ाता है। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में कैप्सूल आता है, सिरप आता है। मार्केट प्रिपरेशन में एस्कोफेर के नाम से कैप्सूल आता है, सोलुफेर के नाम से सीरप आता है। स्टोरेज कोई भी मेडिसिन होती है उसको रख रखाव के लिए उसको एक नियत टेम्परेचर चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर है तब भी खराब डैमेज हो जाएगा, या जैसे गर्मी में कहते हैं कि लू चलती है, अगर उसके सीधे एयर के भी कांटेक्ट में आता है, हीट के कांटेक्ट में, तब भी खराब हो जाता है हमारा। क्या है? इट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द हीट एयर एंड लाइट। कहना क्या चाहता है? इट शुड बी कीप्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हीट एयर एंड लाइट। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारा सीरप खराब हो जाएगा। रूम टेम्परेचर बिटवीन 68°F एंड 77°F, या 20°C या 25°C गुड टेम्परेचर। कहने का मतलब सर, ये रूम का टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए 60°F से 70°F तक, यानी 68 और 77°F है तो रूम का टेम्परेचर अच्छा है, या सेल्सियस देखें तो 20°C 25°C तक टेम्परेचर ठीक रहता है। क्या मेडिसिन प्रोटेक्टेड रहती है, उसमें खराब नहीं होती। यूज देखें तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिसीज। क्या कह रहा है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिसीज। आयरन ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिसीज, या तुम्हारे आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, या हमारी किडनी, जो हमारी किडनी है किसी कारण बस जब ये वर्क कम करता है या उतने अच्छे से ब्लड को हमारे प्यूरिफाई नहीं कर पाता, उस समय किडनी प्रॉपर जब काम नहीं करता तब भी हमारी क्या होती है, ब्लड की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। उस कंडीशन में जहाँ पे हमारी किडनी की वर्किंग स्लो हो जाती है, उस कंडीशन में फेरस एसिड या किडनी की कोई अदर बीमारी है, किडनी की कोई अदर बीमारी जिसमें हमारे आयरन की कमी हो जा रही है, उसमें हमारा फेरस एस्कॉर्बिक जो है आयरन पूरक का काम करता है। यूज, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन में, या जो बना हुआ है फेसोल और इनकान से बना है। फियोसोल कितना है? 45 mg है, मिलीग्राम है, और इरकान जो है 66 mg है। ओरल सस्पेंशन है 15 mg प्रति 1.25 ml में। 15 mg जो है 1.25
एमएल में है, पीडियाट्रिक बच्चों के लिए होता है। पीडियाट्रिक प्रिपरेशन मार्केट मार्केट प्रिपरेशन में ईकार पीडियाट्रिक बच्चों में यूज होने के लिए ए एस्कॉर्बिक डाइटरी आयरन सप्लीमेंट क्या है, ये आहार के रूप में काम करता है क्या हमारा, टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और इसको हम ट्रीट माने ट्रीटमेंट करना, टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हम इसे ट्रीट करते हैं खून की कमी में। यदि जिसके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है उसको हम फेरस एस्कॉर्बिक एसिड का, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में हो, इंजेक्शन फॉर्म में हो, सिरप फॉर्म में हो, ऐसे एडल्ट डोजेज फॉर्म में देके उसे ट्रीट करते हैं। थैंक यू दोस्तों।